कोरोना से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महामारी छाई हुई है। कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने में लगभग कामयाब भी हो गए। वहीं अब भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CIO आधार पूनावाला का कहना है कि AstraZeneca से वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का समझौता किया गया है। ऐसे में तीसरे दौर का ट्रायल सफल रहने के बाद अगर वैक्सीन को ब्रिटेन के ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी मिलती है तो जल्द ही ये वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक ब्रिटेन में इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद भारत में भी इसके आपातकालीन उपयोग पर विचार कर उपलब्ध करवाया जा सकता है। पूनावाला की माने तो कोविशील्ड की न्यूनतम 100 मिलियन खुराक जनवरी तक उपलब्ध होगी और फरवरी के अंत तक सैकड़ों मिलियन डोज तैयार हो जाएंगी। CII के CIO आधार पूनावाला ने ये बात भी कही कि फरवरी के अंत तक इस वैक्सीन की सैकड़ों मिलियन डोज तैयार की जा सकती है। बेहद खुशी की बात है कि ये कोरोना वैक्सीन परीक्षण में 90% तक असरदार साबित हुई है। जल्द ही ये व्यापक रूप से सभी के लिए उपलब्ध होगी। मालूम हो कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और AstraZeneca की वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव में 70% तक असरदार साबित हुई है। तीसरे फेज के ट्रायल के बाद सोमवार को ये ऐलान किया गया। सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से ये बयान आया कि आज हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम पड़ाव पार किया है। अगर दो तरह के डोज रेजिमेन को मिला लेते हैं तो तीसरे चरण के अंतिम आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन 70.4% तक प्रभावी है। दो डोज के रेजिमेन में ये 90% तक असरदार रही, जबकि एक महीने के अंतराल में दो पूरी डोज देने पर 62% असरदार रही। दोनों तरह के डोज के आंकड़े एक साथ रखने पर ये वैक्सीन 70% असरदार रही। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के डायरेक्टर और ट्रायल चीफ एंड्रयू पोलार्ड के मुताबिक ब्रिटेन और ब्राजील में वैक्सीन के जो नतीजे आए हैं उससे ये उम्मीद बंधी है कि ये वैक्सीन हजारों जिंदगियां बचा सकती है और डोज के चार पैटर्न्स में से एक में अगर वैक्सीन की पहली डोज आधी दी जाएगी और दूसरी डोज पूरी तो ये 90% तक असर कर सकती है। आपको बता दें कि AstraZeneca ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुरोध किया है कि वह कम आय वाले देशों में इसके आपात उपयोग की मंजूरी दे। अब बात ट्रायल की करें तो ट्रायल में 20,000 से अधिक वॉलेंटियर शामिल थे। इसमें से आधे ब्रिटेन और आधे ब्राजील के थे। परीक्षण के दौरान देखा गया कि जब वॉलेंटियर को दो हाई डोज दी गई तो ये 62% तक असरदार रही, हालांकि जब कम खुराक दी गई तो ये 90% तक असरकारक रही। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इतना अंतर क्यों है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को एक वायरस से बनाया गया है। एडेनो वायरस के टीकों पर न केवल दशकों तक बड़े पैमाने पर शोध किया गया है बल्कि उपयोग भी होता रहा है। इस तरह से बनाई गई वैक्सीन का महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इसे घरेलू फ्रिज के तापमान पर रखा जा सकता है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।